नमस्कार किसान भाइयों, यहाँ पर इल्ली के कीटनाशक का यहाँ पर स्प्रे सोयाबीन में किया जा रहा है। पहला स्प्रे है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जा रही है तो आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर ब्रांड का IIL का यहाँ पर क्लोरएंट्रानिट्रोल 18.5% है इसमें कीटनाशक, जो कि कोराजन में भी यही टेक्निकल आता है। वहीं हम बात करें तो NFL का थाइमेथोक्सम है 25% WG फॉर्म में, और विलोबोट का यहाँ पर ब्रांड टॉनिक है जो कि फूल फल के लिए डाला जाता है। वहीं सफेस की वेलवेट चिपकू है यहाँ पर। पहला स्प्रे अभी इसमें किया जा रहा है और 37 दिन की अवस्था में अभी ये वैरायटी है, 21-72 जैसी 21-72 वैरायटी है ये। अब हाइट देख सकते हैं इसकी, 2 फीट के करीब इसकी हाइट है 37 दिन की अवस्था में। और फ्लावरिंग अभी इसमें स्टार्ट होने लगी है कहीं कहीं पे। फूल की अगर हम बात करें इसमें तो सफ़ेद कलर के इसमें फूल आते हैं, देखिए सफ़ेद कलर के फूल आ रहे हैं इसमें अभी। और इसकी पहचान ये वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं, और रुएदार इसका पूरा पौधा होता है और रुएदार ही इसमें फलियां आती है। इल्ली का अटैक भी इसमें कम देखने को मिला है, काफ़ी कम इल्लियाँ इस सोयाबीन में लगी है। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये कीटों के लिए तो ये रेसिस्टेंट वैरायटी है, कीटों का कम प्रभाव आता है इस वैरायटी के ऊपर, क्योंकि अभी हमने इसमें एक भी स्प्रे नहीं किया गया है कीटनाशक का। इसके बाद भी अभी इसमें कीटों का प्रकोप नहीं आया है। और जिन किसान भाइयों ने कुछ वैरायटियों में खरपतवार नाशक के साथ कीटनाशक मिलाकर डाली थी, उन्होंने दोबारा स्प्रे कर दिया है आज से एक हफ्ता पहले। इसके बाद भी उन्हें दोबारा स्प्रे करना पड़ा है, लेकिन अभी तक हमने इसमें एक भी स्प्रे नहीं किया है कीटनाशक का, और अभी तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ है कीटनाशक ना डालने से। इसमें पहला ही स्प्रे इसमें डाला जा रहा है, तो इसमें हम 2-3 तरह की चीज़ें डाल रहे हैं मिशन यहाँ पर डाल रहे हैं हम ट्रैक्टर ब्रांड की, और विलोवुड का यहाँ पर ब्रांड भी इसमें डाल रहे हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए होता है। और NFL का यहाँ पर हम थाइमेथोक्सम मिला रहे हैं इसमें 25% वाला, और साथ में सफेक्स का वेलवेट चिपको भी इसमें साथ में डाल रहे हैं, जिससे पानी अगर गिरता है तो भी दवाई का कोई नुकसान नहीं होगा और लंबे समय तक दवाई यहाँ पर काम करेगी। और जो दवाई हम डाल रहे हैं वो रिंग कटर, गर्डल वीटल, तंबाकू इल्ली, सभी पर वो दवाई काम करेगी, उसी हिसाब से हम वो दवाई डाल रहे हैं। तो लंबा काम करती है, तो लंबा काम करने के नज़रिए से हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम 20-25 दिन ये दवाइयाँ काम करेगी, और फिर देखते हैं क्या रहता है मौसम के हिसाब से, कितने दिन दवाई काम करती है, उस हिसाब से दोबारा अगर दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा स्प्रे फिर जल्दी करना पड़ता है या नहीं, क्योंकि उसी वजह से हैवी डोज दिया जा रहा है ताकि अधिक समय तक अधिक दिनों तक दवाई काम करे, जिससे फूल में कोई नुकसान ना हो। और पूरा अधिक फूल जब आ जाएगा तो इसमें एक स्प्रे और कर दिया जाएगा, और 2 स्प्रे में ये सोयाबीन पूरी तरह से पककर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 20 दिनों तक ये दवाई काम करेगी, 20-25 दिनों तक। और इस 20-25 दिनों में फूल आ चुका होगा पूरी तरह से, और कहीं कहीं फल भी बनने लग जाएगा। उस अवस्था में एक स्प्रे और कर देने से फसल सिर्फ 2 बार कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे हम, और 2 स्प्रे से फसल पूरी तरह से पककर कंप्लीट हो जाएगी।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके खेतों में इल्लियों का प्रकोप नहीं है, कीटनाशकों का कीटों का प्रकोप नहीं है, तो आप कीटनाशक डालने से बचें। जब ज़रूरत है तब कीटनाशक का प्रयोग करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम खर्च में, कम लागत में आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। बस ये है, आपको देखते रहना है। जब आपको लगे कि हाँ इसमें अटैक आने वाला है, तो आप इस पे कर सकते हैं। और अच्छा सा कोई डोज आप उसमें डाल दीजिए, जिससे आपको बार बार इस्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये अभी हमारा पहला ही इस्प्रे डल रहा है कीटनाशक का। सोयाबीन से जुड़ी ऐसी जानकारी या दवाइयों से जुड़ी ऐसी जानकारियों के साथ हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। आपको हम ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।